में पहुंचे और यहाँ पे आपका जो स्वागत किया जा रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि ऐसे ही होगा, क्योंकि पुंछ का एक जो व्यक्ति 6,000 किलोमीटर सफ़र करके आया हो और जिसने पार्टिसिपेशन किया हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये तो कुछ उनको खुशी होनी चाहिए, तो वो खुशी मुझे नजर आ रही है। सर, कैसा लग रहा है कि इतनी उम्र के दौरान भी आपने दिखाई और खास करके जिस तरीके से जो जज्बा था आपका उसको लेकर आपने इसमें हिस्सा लिया और कामयाबी भी हासिल की, कैसा लग रहा है? ये जज्बा ही है जो सब कुछ कराता है। अगर आप में जज्बा होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो आप किसी भी लेवल पे पहुंच सकते हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अमूमन आजकल देखा जाए हमारी जो युवा पीढ़ी है सबसे ज्यादा वो जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व है, लेकिन अगर जिस तरह से देखा जाए इतनी उम्र के दौरान भी आपने जो है एक जज्बा दिखाकर पुंछ में अपना नाम रोशन किया और खास करके पुंछ की जो आवाम है उनमें एक अहम मैसेज दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, ऐसे तो ये ड्रग्स और दूसरी चीजों के लिए बड़ी जोर दूर करते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, लेकिन बात यूं है कि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं पेश करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से, इस पार्टिसिपेशन से ये पता चल जाएगा क्या एक 82 इयर्स का बंदा जो है वो 6,000 किलोमीटर पार्टिसिपेट करके, और ये कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं था, ये इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन था। तो इसमें श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश भी था, तो वहाँ से मेडल की तो बात नहीं होती। इससे है कि छोटी जो जनरेशन है उसको ये पता चल जाता है कि हाँ, अगर 82 इयर्स का एक बंदा जो है इस लेवल पे जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो मुझे उम्मीद है कि जो आने वाली नस्ल है वो इसको एक एग्जांपल समझेंगे और वो जो उनमें आते हैं उनको सुधारेंगे, ग्राउंड का रुख करेंगे और दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे ताकि वो इन लत से बच सके। सर, आखिर में जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको जिस तरीके से 82 इयर्स आपकी एज हो चुकी है और काफ़ी आपको तजर्बा भी है, अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे पुंछ में मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जाती है और खास करके यहाँ पे टैलेंट को देखा जाए तो टैलेंट की भी कोई कमी नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, तो क्या लगता है आपको, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो पुंछ हमारा एक स्पोर्ट्स कल्चर में सबसे आगे आगे स्टेट से, लेकिन इसमें कमियाँ ये हैं कि हमें नॉन टेक्निकल आदमी जो बड़े काम हैं, और अगर वो मेहनत करें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें सुधार आ सकता है। ऐसे भी तो यहाँ हमारा ठीक चल रहा है स्पोर्ट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आगे के लिए भी ये ठीक चलेगा और इसका असर जो है आने वाले नस्ल पे, बच्चों पे जरूर पड़ेगा। एक बड़ी खुशाइन और खुशकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग जिन्होंने एक मिसाल कायम की है और जिस तरीके से पुंछ और पूरी यहाँ की आवाम का नाम रोशन किया है, तो आप ही यहाँ पे पहुँचे उनकी जो स्वागत करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे 42nd इंटरनेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप से ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं हमारे लुथरा जी, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, 80+ एथलेटिक कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है, हम इनका इस्तकबाल करने यहाँ पे आए हैं कि ये पुंछ के लिए फ़ख्र की बात है कि ब्रॉन्ज मेडल इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने जो है लाया है, हम इनको मुबारकबाद पेश करें, इसीलिए हम यहाँ पे आ जाए। क्या लगता है आपको, जिस तरह से इन्होंने एक उम्र रसीदा होने के बावजूद जो इतना शानदार जो है यहाँ पे हिस्सा लिया है और उसमें जीत भी हासिल किया, तो क्या लगता है आपको, हमारे नौजवान अगर इसी तरीके से हिस्सा ले तो आने वाले वक्त में कैसे सुधार हो सकता है? नौजवानों के लिए एक ये मिसाल है, इस एज में खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल होता है, फिर किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में जीत के आना और मेडल लेके आना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर जवान लोग भी इनकी राह पर चलेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर उनके कदम छूएगी। पे पहुंचे और उनके स्वागत के लिए आप भी यहाँ पे पहुंचे और खास करके उनका स्वागत किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने आदरणीय मेरे टीचर भी ये रहे श्री प्रेम प्रकाश लुथरा जी, मैं इनका स्टूडेंट रहा और मैं भी गवर्नमेंट 60 साल के बाद मेरी भी रिटायरमेंट हो चुकी है, तो अभी भी इनको देख के मैं अपने पूरी फुटबॉल एसोसिएशन जितनी भी है, फुटबॉल फ्रेटर्निटी जो पुंछ के है, जितने भी क्लब हैं फुटबॉल के, मैं उनकी तरफ से लुथरा साहब को दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने पुंछ के लिए एक मिसाल पेश की है और इनकी जो इनकी हिम्मत देख के हमारे मन में भी, हमारे नौजवानों में भी
एक चाह, एक उमंग पैदा हुई है कि हम भी इसी तरीके से अपने आप को फिट रखें ताकि हम भी अपने देश का नाम ऊंचा करें। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा किया है। मैं अपनी पूरी फुटबॉल एसोसिएशन जो पुंछ की है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से दिल की अमीक गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूं, इनकी फैमिली को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इनमें हौसला पैदा किया कि इतने दूर इनको इस उम्र में भेजा, और इनको भी मेरी तरफ से, मेरी फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद।